फॉर्मेंस किया और मेरा जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा मैं बागेश्वर दम आएगा तो फिर वो मेरा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया मैं बागेश्वर दाम आया अभी तो पहले इंडिया आए हैं आप नहीं नहीं आया ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया तो असल में वीडियो देखते जैसा जैसा बोला गुरु जी ठीक में ऐसा ऐसा किया वो दुबई में मेरा एक दोस्त है वह भी फ़ोन कर रहा है बोलते इधर आने के लिए तो मैं बोला ठीक है मैं जाके मिल के आ गया बाद में आपको भेजेगा मुश्किल नहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने और उन्हें देखने के लिए सिर्फ भारत के लोग ही दीवाने नहीं है बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये है रॉबी रॉबी एक युवा हैं जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ उनका व्यवसाय खाड़ी देश कतर में फैला हुआ है वे यहाँ कारोबार कर रहे थे तभी उनके कारोबार में कुछ मुश्किलें आई उन्होंने यूट्यूब के जरिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के कुछ वीडियो देखे और उन्हें बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पर भरोसा हो गया बालाजी के लिए उन्होंने अर्जी बांधी और देखते ही देखते उनकी मनोकामना पूरी हो गई जब रॉबी की मनोकामना पूरी हुई तो सात समंदर पार कर सीधे बालाजी के चरणों में आ गिरे उन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम जाकर अर्जी का नारियल बांधा और उसके बाद नोएडा में चल रही बागेश्वर धाम पीठा की कथा को सुनने के लिए पहुंच गए सुनिए बांग्लादेश में जन्मे और कतर में रहने वाले रॉबी ने क्या बताया मैं बांग्लादेश बिजनेस है कतर में क्या हुआ था बिजनेस में से कैसे जुड़े नहीं जुड़ा था मतलब ओ, मेरा को थोड़ा उधर प्रॉब्लम सॉल्व रहा है और मेरा जो आरूबी है उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व रहा है तो सॉल्व ना का बाद मेरा, बाद मेरा को बाद में वो यूट्यूब में मोहराज को गुरु जी को मिला तो गुरु जी का वीडियो में देख वो बहुत वीडियो में देखा तो देखने का बाद में मैंने फॉर्मेस किया और मेरा जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा मैं बाकी शाम आएगा तो फिर वो मेरा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया मैं बागेश्वर धाम आया कितने टाइम से प्रॉब्लम था क्या प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम था वो मेरा पूरा फोन चर्च के साथ और मेरा जो मालिक होता है ना वो मालिक के साथ उसके साथ फोन प्रॉब्लम चल रहा था मे बी छः सात महीना ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था मेरा तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दो क्या किया बालाजी का वीडियो में जैसा देखा वो लारकल है ना उसमें मैं सेम ऐसा करके एक मंदिर में लगाया और मेरा जो दरवाजा है ना डोर उसका ऊपर में एक लगाया रोम का उधर लगाया फिर एक महीना बाद में मेरा जितना प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया होने का बाद मैं इंडिया के एमबीसी में गया जाना का बाद बिशा लगा इधर आया आने का बाद में बागेश्वर धाम भी गया धाम पे गए कैसा लगा वहाँ पे उधर गया तो बहुत अच्छा लगा भैया उधर जाके मैं आज भी लगा के आया बट गुरु जी से नहीं मिला नहीं मैं तो दो दिन तीन दिन वीडियो ना देखने के बाद मेरा को समझ में आ गया बस इसमें कुछ आएगा तो फिर जब मैं वो लार्कल लागाया, लारकल लगाया लारकिल लगाया ना बाद में मेरा से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो फिर मैं बाबा का पीछे और किधर भी नहीं गया मैं नहीं नहीं, नहीं। उधर जस मेरा दो बच्चे छोटा छोटा और मेरा वाइफ है तो मेरा वाइफ ने बोला ये क्या लगाया तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है वो बोलते मुश्किल नहीं है विश्वास नहीं था उन्हें किसको परिवार वालों को नहीं वो उसको दूर नहीं देखते नहीं देखते देखते तो मैं मैं प्रॉब्लम तो भाई मेरा है उसको तो प्रॉब्लम नहीं है ना समझ गया आप प्रॉब्लम तो मेरा है उसको तो प्रॉब्लम नहीं है भाई तो ऐसा वीडियो देखते जैसा जैसा बोला गुरु जी चिक मैं ऐसा ऐसा किया क्या? और भी भक्त लोग हैं आपके साथ भैया बहुत है ना भैया बहुत तो पूरे जगह में है वो दुबई में मेरा एक दोस्त है वह भी फ़ोन कर रहा है बोलते इधर आने के लिए तो मैं बोला ठीक है मैं जाके कर मिल के आ गया बाद में आपको भेजेगा मुश्किल नहीं सर उधर से कैसे प्लान अचानक बना के हमें जाना चाहिए क्या सोचा था जाने के पहले कभी पहले इंडिया आए हैं आप नहीं नहीं आया ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया दाम में, दाम नहीं।, नहीं मैंने मैंने तो फोला सोचा मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा मैं बागेश्वर धाम जाएगा गुरु जी से मिलेगा मैं तो फोला से जब गुरु जी का वीडियो मिल गया तब से मैं फॉर्मेश किया यहाँ पर कथा सुनी है तुमने है, सुना है तो कैसी लगी महाराज अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा वो इधर भी सुना बाद में वो क्या बोलते दिल्ली में सुना बाद में वो बागेश्वर धाम भी सुना महाराज जी के दर्शन हुए हैं दर्शन नहीं है अभी तक बट मेरे को मौका ही नहीं मिलते उसको थैंक यू बोलना चाहते थोड़ा मिलना चाहते बट वही थोड़ा उसका आशीर्वाद चाहिए मेरे को